हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक, इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हीट, ठीक है, उसको रीड कर रहे हैं। मैंने पहला लेक्चर इस पर बनाया है इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने बताया है कि हीट क्या है और हॉटनेस, कोल्डनेस, ठीक है, वॉर्म क्लॉथ और कॉटन और कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक। उसमें एक एक्टिविटी थी 3.1 करके, वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ द मीजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। मतलब टेम्परेचर जो है वो एक डिवाइस से मीज़र करा जाता है, यानी कि नापा जाता है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। और टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है एक तरीके से, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ए रिलायबल मीजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर। जो टॉपिक है हमारा वो है मीजरिंग टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर को हम मीजर कैसे करेंगे, टेम्परेचर को हम कैसे नापेंगे। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हम किसी भी चीज़ को छूकर नहीं बता सकते, वो हमारा रिलायबल तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को छूकर बताने का। उसके लिए पर्टिकुलर एक डिवाइस आती है जिसका नाम थर्मोमीटर होता है, ठीक। तो थर्मोमीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। इन दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम कैसे नापेंगे। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। मतलब कि आप याद कीजिए कि कभी आपको या आपकी फैमिली में या आपके किसी दोस्त को कभी कोई बुखार आया है, कभी कोई फीवर आया है, ठीक है। द टेम्परेचर वॉज मीजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो है वो एक डिवाइस से नापा जाता है जिसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मीजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब कि जो टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। बुखार आने का मतलब क्या है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो भी टेम्परेचर बॉडी का पर्टिकुलर एक रेंज होती है, अगर उस रेंज में है तब तो ठीक है, अगर उस रेंज से थोड़ा सा पार जाता है यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो हमें क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है। मतलब हमें हमारा जो शरीर है वो गर्म हो जाता है, ठीक। तो जिस भी डिवाइस से, जिस थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को नापते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम ए थर्मोमीटर विच इज कैपेबल टू मीजर आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स आंसर विल बी क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आपको ये किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट में भी मिल सकता है, फिलअप में भी मिल सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी मिल सकता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक। जिस थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मीजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर, मतलब होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। मतलब कि जो थर्मोमीटर है आप उसको अपने हाथ में लीजिए और उसको एग्जामाइन कीजिए। एग्जामाइन करने का मतलब होता है कि उसको ठीक से देखिए कि उसमें भाई क्या क्या है, ठीक। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। आप अपने दोस्त से बोलिए कि अगर उसके पास है तो वो आपको दिखाए, आपके साथ शेयर करे, या फिर आप अपने आस पड़ोस किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे थर्मोमीटर देखना है। और बहुत ही सस्ती डिवाइस है और मतलब कि आजकल कॉमनली ये घरों में होती है, ठीक है। तो आप अपने घर में भी इसको देख सकते हैं कि थर्मोमीटर की एक्चुअल में होता कैसा है। आप सिर्फ इतना देखिए, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। ये वाला जो डायग्राम है फिगर 3.2, इसमें जो डायग्राम शो कर रहा है वो थर्मोमीटर है, ठीक। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। मतलब कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास की एक ट्यूब होती है जो कि लंबी, नैरो, पतली और यूनिफॉर्म, मतलब एक सी लंबाई की ग्लास की एक ट्यूब होती है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पर एक बल्ब होता है। अब आप बल्ब वो वाला मत समझ लीजिए जो आपके घर पर चलता है। बल्ब की बात जो इस बुक के अंदर हो रही है वो ये बल्ब है, ठीक। मतलब एक छोटा सा आगे पॉइंट है ये, ठीक, जिसको हम बल्ब कहते हैं। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इस बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। मतलब कि
इस बल्ब के आउटसाइड में आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ना चमकीला चमकीला सा होता है, मतलब शाइनिंग, जस्ट लाइक शाइनिंग। तो ये क्या है, मरकरी की थ्रेड है इसके ऊपर, मरकरी की कोटिंग है इसके ऊपर। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देख पा रहे हैं तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट कीजिए, आप देख पाओगे। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको इस थर्मोमीटर पर एक स्केल भी देखने को मिलेगा। स्केल का मतलब कुछ रीडिंग्स होंगी और लाइनें वगैरह इसके अंदर शो होती होंगी, कुछ बड़ी लाइन होंगी कुछ छोटी लाइन होंगी, ठीक। तो वो स्केल होगा और उस पर कुछ नंबरिंग लिखी होगी। ये देखिए, ये जो जूम करके पार्ट दिखाया गया है, इसके अंदर थर्मोमीटर का ये स्केल है, इस पर ऊपर कुछ रीडिंग लिखी हुई है जैसे कि 36, 37 और नीचे लिखी हुई है 8 और 10, ठीक। द स्केल वॉज यूज इज द सेल्सियस स्केल, मतलब जो इस पर स्केल इस्तेमाल किया जाता है वो सेल्सियस स्केल इस्तेमाल किया जाता है। सेल्सियस एक यूनिट है टेम्परेचर के मेजरमेंट की, ठीक, जिस तरीके से वजन के नापने की यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, और लंबाई की है मीटर किलोमीटर, इसी तरीके से टेम्परेचर को नापने की यूनिट है सेल्सियस, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो इंडिकेशन है इस यूनिट का, सेल्सियस स्केल का, उसका जो इंडिकेशन है वो है डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वैसे इस थर्मोमीटर पर आपको दो रीडिंग देखने को मिलेंगी, एक ऊपर है और नीचे, तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर नीचे होता है, लेकिन दो रीडिंग होती है जिसमें से एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट भी एक अनदर यूनिट है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की, ठीक। बुजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 3.2, मतलब बुजो ये हैरान है देखकर कि इस थर्मोमीटर पर दो स्केल कैसे दिखाई दे रहे हैं। ही शुड रीड, मतलब उसको पढ़ना चाहिए। पहली ने उससे पूछा दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द, पहली ने उसको बताया इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल, मतलब इंडिया ने जो है वो सेल्सियस स्केल को जो है वो क्या कह रहा है, अडॉप्ट करा है, इसलिए हमें सेल्सियस स्केल को पढ़ना चाहिए। द आउटर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फारेनहाइट स्केल, मतलब जो ऊपर वाला स्केल है, अब ये क्लियर हो गया कि ऊपर जो रीडिंग होती है वो फारेनहाइट में होती है और जो नीचे होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, ठीक है। तो जो हमारा फारेनहाइट स्केल होता है उसकी जो रेंज होती है वो 94 to 108 की होती है, और इसी तरीके से जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है स्केल, उसकी रेंज जो होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, यानी कि ये 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मीजर कर सकता है, और यही जो मीजरमेंट है ये फारेनहाइट में 94 to 108 है, ओके। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यही बात मैंने आपको अभी बताई थी। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.2, रीडिंग ए थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर, चलिए हम जानते हैं कि थर्मोमीटर को हम कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, मतलब कि सबसे पहले आप टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए किसके बीच में, दो बड़ी लाइनों के बीच में, कि उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। मान लीजिए कि ये एक स्केल है टेम्परेचर थर्मोमीटर का, एक बड़ी लाइन ये है और एक बड़ी लाइन ये है, अगर ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो ये बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच में छोटी 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 पांच लाइनें होंगी, 1, 2, 35, 36, 37, 38, 39 और 35, मुझसे बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस का मतलब ये बराबर डिस्टेंस होती है, जितनी इसके इसके बीच की है उतनी ही इसके और इसके बीच की है, ठीक। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब कि आप जो बड़ी लाइनों के बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स है उनको भी नोट डाउन कीजिए। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, मतलब कि जो बड़ी लाइनों के बीच में जो छोटे डिवीजन है मैंने आपको बताया था अभी बनाकर, तो वो जो है वो स्मॉलर मार्क्स से दिखाए गए हैं। बिटवीन दीज मार्क्स, बड़े वाले जो हमारे मार्क्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे मार्क्स दिखाए गए हैं, वो आप पता करिए, मतलब कि आप देखिए या फिर आप खुद से हाथ से देखिए अपने कि वो कितने हैं, ठीक। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री,
एंड देयर आर फाइव डिविजन्स बिटवीन देम। अब ये मान लीजिए कि जो बड़ा वाला मार्क्स है वो 1 डिग्री को मेजर कर रहा है, मतलब कि दो बड़े मार्क्स के बीच में 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेजरमेंट है। जैसे कि ये दो बड़े मार्क्स हैं, अगर ये 35 है तो ये 36 होगा, इसके और इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड देयर आर फाइव डिविजन्स, और इनके बीच में 5 डिविजन है, मतलब कि 1, 2, 3 एंड 4, 4 लाइनें हैं लेकिन 5 डिविजन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिविजन्स हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है और इनके बीच में 5 डिविजन है, मतलब कि एक को 5 भागों में बांट दिया गया है। वैसे ही टोटल, मतलब एक को हमने 5 भागों में बांट दिया तो हमारा कितना आया, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि इसका मतलब यह है कि बड़ी वाली लाइन और ये छोटी वाली लाइन, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके और इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए ये 35 है तो ये 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फर्दर ये कितना हो गया, उसमें फिर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड जुड़ गया, फिर उसमें फिर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड जुड़ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात मेरी समझ गए होंगे अच्छे से। वॉश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को वॉश कीजिए प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब आप ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको धोने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोऊं, वो बेटर है इसके लिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स, आप इसको अच्छे से पकड़िए टाइट तरीके से और कुछ झटकिए, मतलब 2-3 बार इसको झटकिए। झटकने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो डॉक्टर जब थर्मोमीटर आपकी बॉडी के अंदर लगाता है तो उसको पहले, वो जो थर्मोमीटर है वो किसी बॉटल के अंदर रखा हुआ होता है, उस बॉटल के अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। जब वो डॉक्टर उस थर्मोमीटर को उस बॉटल से बाहर निकालता है तो वो 2-3 बार उसको झटकता है और झटकने के बाद आपको कहता है कि मुंह खोलिए, मुंह खोलने के बाद वो आपकी जबान के नीचे उसको रख देता है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, अच्छा वो जो झटकता है वो क्यों झटकता है, वो झटकता है इस वजह से है कि मरकरी का जो लेवल है वो डाउन आ जाए। ऐसा नहीं कि मरकरी जो है वो पहले से ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर वो पहले से ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आपकी बॉडी में जाने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं। मान लीजिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और वो जो हमारा थर्मोमीटर है वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी उस पर होल्ड कर रही है, तो अगर वो जर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से तो वो बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेजर नहीं कर सकता। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अब क्या करें आप, अब जो थर्मोमीटर की बल्ब है यानी कि जो उसका आउटर वाला पार्ट है, एक दूसरा एंड, पहला एंड या दूसरा एंड, जो भी एंड है, उसको आप अपने जबान के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और उसकी रीडिंग को नोट कीजिए। रीडिंग को नोट करने का मतलब यह है कि आप देखिए कि जो मरकरी उसके अंदर है वो किस स्केल पर जाकर रुकी, मतलब कि कौन सी रीडिंग पर जाकर रुकी, वो जिस रीडिंग पर जाकर रुकेगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही होगा। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर है वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में यूनिट होगा, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको कि इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर अडॉप्शन है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, अब आप बताइए कि आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या मेजर किया। ये एक्टिविटी आप करके देखें, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी, और जब आप ऐसी एक्टिविटी कर लें तो आप अपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी बॉडी का अपना नाम और टेम्परेचर लिखकर मुझे कमेंट कीजिएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, मतलब आप ये जान लीजिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है मैं आपको बताता हूँ कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करता है, मैंने आपको बताया अभी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी रेंज कहाँ तक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा, जब हमें तेज़ बुखार होता है, तेज़ फीवर होता है, तो हमारी बॉडी का जब वो टेम्परेचर मेजर करता है तो वो 98, 99
या फिर 100 या फिर 101 आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज है डिग्री सेंटीग्रेड में मीजर करने की वो 37 से 42 तक है। लेकिन अब आपका टेम्परेचर बॉडी का 98, 99, 100, 101 आया, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ? इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, इस बात को मानता हूं मैं, और ये है ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो हमें बताता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में बताता है, बात समझ में आई ना? तो डॉक्टर जो भी हमें टेम्परेचर बताता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है। आप उसको पूछ सकते हो कि भाई डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, तो वो 2 मिनट के लिए आपको देखेगा और सोचेगा यार बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा लग रहा है, बच्चे के अंदर थोड़ी सी अकल है और इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जानकारी है, तो वो आपको पर्टिकुलर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी बताएगा। या आप अगर उसको ना पूछो तो वो उससे थर्मोमीटर लेने के बाद खुद आप मेजर कर सकते हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक? तो बात आप ये याद रखिए, डॉक्टर कभी भी आपको बोलता है तो वो साथ में यूनिट नहीं बोलता, कि वो सिर्फ इतना बोलता है कि यार 98 फीवर है, 99 फीवर है या 100 फीवर है, वो ये नहीं कहता कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जब भी आप डॉक्टर आपसे कहे कि आपको 98 फीवर है तो आप बोलो डॉक्टर साहब नहीं मुझे 98 फीवर नहीं है, मुझे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है। तो इमेजिन कीजिए कि जब आप ऐसा उससे बोलोगे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे होंगे तो वो उनको कितना अच्छा लगेगा कि यार बच्चा स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए तो ये कुछ पढ़ रहा है एक्चुअल में, ठीक? छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर गौर कीजिएगा और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहली मिजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट बरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली ने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा और वो इस बात से बहुत चिंता में है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं ये श्योरिटी देने के लिए पहली को कि उसके साथ में कुछ गलत है, यानी कि उसने जो मेजरमेंट किया है वो कुछ गलत तरीके से किया है। एक एक्टिविटी और आई इसके अंदर, एक्टिविटी 3.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। कम से कम 10 लोगों का आप अपने फ्रेंड का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करिए और इस टेबल के अंदर लिखिए, यहाँ पर नाम, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर नाम, यहाँ पर टेम्परेचर। ये काम आप कब कर सकते हो भाई? आपकी छुट्टी जब पड़े, ठीक है, कोई वीकेंड है आपका, सैटरडे संडे, तो आप छोटी सी एक गैदरिंग रख लीजिए अपने फ्रेंड्स के, यहाँ पर एक थर्मोमीटर ले जाइए, उसको बोलिए ठीक है भाई ऐसा करते हैं आज, मजा आएगा यार इसके अंदर, बहुत मजा आता है, प्रैक्टिकल है, साइंस एक प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 3.2 इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये देखिए कि हर बंदे का टेम्परेचर जो बॉडी का है वो क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हर बंदे की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, सबकी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, कुछ मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है एक बहुत ज्यादा इंसानों का जो कि हेल्थी है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई फीवर नहीं है, ठीक। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ इसलिए डिजाइन करा गया है, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो नॉर्मली ह्यूमन का टेम्परेचर है वो 35 से बिलो नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। रेयर केस होते हैं जब बहुत ज्यादा फीवर होता है तब चला जाता है अब, लेकिन इस जो थर्मोमीटर है इसकी रेंज ही 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर होगा भी तो वो बताएगा नहीं। दैट इज द रीजन दैट इस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड to 42 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए ये रीजन है इस थर्मोमीटर की रेंज बनाने का, कि बनाने वाले को ये पता था कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए उसने इसकी रेंज 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखी, ठीक। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हम खत्म करते हैं, और इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।